हेलो फ्रेंड, 40 फीट x 20 फीट पे ये प्लान हमने बनाया है। दिस साइड हमने 20 फीट साइज़ रखी है और दिस साइड ये हमने 40 फीट साइज़ रखी है और इसका मेन डोर भी 40 फीट के साइड से रहने वाला है फ्रेंड्स। तो देखते हैं ये प्लान हमने 3 बेडरूम के साथ, बेडरूम जो कि 3 बेडरूम के साथ बनाया जाने वाला प्लान है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बेडरूम या स्टडी रूम आप रख सकते हैं रूम। तो चलते हैं फ्रेंड्स, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने एंट्री गेट रखी है, दिस साइड से हमने स्टेयर्स अप रखी है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने डाइनिंग, काफ़ी अच्छा सा डाइनिंग हॉल आपको इस प्लान में देखने को मिलेगा। डाइनिंग हॉल काफ़ी अच्छा रहेगा। तो देखिए इसका साइज़ हमने क्या रखा है, जो कि 17 फीट 4 इंच रखी है फ्रेंड्स। ये साइज़ हमने दिस साइड रखी है और दिस साइड बात करें तो ये 12 फीट 9 इंच रखी है, ये साइज़ रहेगी। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे डोर, ये सभी हमने डोर प्रोवाइड किए हैं, ये सभी डोर। और आपका एंट्री मेन डोर रहेगा, जो कि आप इसका साइज़ 5 फीट या 6 फीट आप अपने अनुसार रख सकते हैं, आप साइज़ के अनुसार आप खुद भी रख सकते हैं फ्रेंड्स। जो कि हमने ये स्टेयर्स क्लॉकवाइज स्टार्ट लिया, 3 फीट का स्टेयर्स और दिस साइड भी 3 फीट और ये 3 फीट, यहाँ तक स्टेयर्स चढ़ जाएगी फ्रेंड्स। ये टोटल हमने साइज़ रखी है, जो कि 8 फीट 6 इंच रखी है दिस साइड, ये 8 फीट 6 इंच रखी है। फिर यहाँ पे बात करते हैं तो बेडरूम, जो कि 10 फीट दिस साइड और दिस साइड हमने ये 12 फीट की ये मास्टर ये बेडरूम हो जाएगा फ्रेंड्स। ये सबसे बड़ा बेडरूम इस प्लान का है फ्रेंड्स। और फिर सेकेंड ये बेडरूम, जो कि 11 फीट और दिस साइड 9 फीट 5 इंच ये रहेगा साइज़। इस टाइप से हमने सेकेंड बेडरूम और ये 11 फीट और दिस साइड 9 फीट 4 इंच रहेगा, जो कि स्टडी रूम ये रहेगा। फिर यहाँ पे किचन यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि इसका साइज़ हमने 10 फीट और दिस साइड 6 फीट 9 इंच रखी है इस टाइप से। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे टॉयलेट बाथ, ऐसी टॉयलेट बाथ, या आप एक टॉयलेट रख ले और एक बाथ रख ले, ये भी कर सकते हैं, या आप दोनों चीज़ रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, क्योंकि इसका साइज़ 4 फीट x 6 फीट रखी गई है, ऐसे ही 6 फीट और 4 फीट यहाँ पे ये साइज़ आपको मिलेगा। ये सभी हमने विंडो प्रोवाइड किया है, ये हमने दो साइड से विंडो वेंटिलेशन प्रोवाइड किया, ये सभी पॉसिबल है तो आप प्रोवाइड करके बनाए, नहीं तो आप OTS भी छोड़ के बना सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें कॉलम्स ये हमने रखी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहाँ पे फ्रेंड्स 14 15, यहाँ पे फ्रेंड्स 16 17 और ये 18, ये 18 कॉलम टोटल इसमें इस प्लान में रहने वाला है। जो कि आप कॉलम साइज़ की बात करें तो यहाँ पे 10 इंच x 12 इंच का कॉलम साइज़ आप रखें, जो कि ये आप रखें कॉलम साइज, और 6 सरिया 12 mm का 12 mm का प्रोवाइड करें, सभी कॉलम में 12 mm का सरिया यूज करें। बिल्डिंग कॉस्ट इसमें जो कि पड़ जाएगी
होल्डिंग कॉस्ट इसमें 10 लाख तक में ये बन जाएगा, काफ़ी अच्छा सा आपका घर रहेगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे 800 स्क्वायर फीट पे बनाया गया प्लान है। तो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। इसमें 5 इंच की वॉल्स अभी हमने रखी है, 5 इंच की। थैंक यू फ्रेंड्स।